मैं मोहम्मद रिजवान। आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं वो है डायमेंशंस। डायमेंशंस क्या होती हैं? देखिए, जब भी हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को इन टर्म ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटीज रिप्रेजेंट करना चाहें, उसके लिए हमें बेस फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर कुछ पावर्स इंसर्ट करनी पड़ती हैं। उन पावर्स को क्या कहते हैं? डायमेंशंस। यानी कि डायमेंशंस को अगर डिफाइन करें, डायमेंशंस आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रेज्ड इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस अ यूनिट ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक डायमेंशंस याद रखनी पड़ेंगी। बेसिक डायमेंशंस क्या है? जहां पे भी मैस आएगा कैपिटल एम यूज करेंगे, लेंथ के लिए कैपिटल एल यूज करेंगे, टाइम के लिए कैपिटल टी यूज करेंगे, टेम्परेचर के लिए थीटा और कैपिटल के यूज करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट के लिए कैपिटल एल यूज करेंगे। अच्छा, चलिए अभी कुछ फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस फाइंड करते हैं। इनमें कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जिसकी डायमेंशंस आपको याद रखनी पड़ेंगी, ताकि आगे जितनी भी थोड़ी सी कम्प्लेक्स फिजिकल क्वांटिटीज रहेंगी, यानी कि जिनकी डायमेंशन थोड़ी फाइंड करना कम्प्लेक्स होगा, वहां पे आपको आसानी होगी। क्योंकि देखें, इटा में हमारे पास किसी भी एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए लेस देन 50 सेकंड्स होते हैं। वहां पे आपने जितना शॉर्टकट वे हो सके यूज करना होता है, उसके लिए यहाँ पे हमें ये एक दो फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन याद रखनी पड़ेगी, जिसमें पहली हमारे पास फोर्स। फोर्स की डायमेंशन निकालते हैं बाय न्यूटन सेकंड लॉ, एफ इज इक्वल टू एम ए। एम यहां पे मास है, यानी कि किलोग्राम, ए एक्सेलरेशन यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एफ की अगर डायमेंशन लिखना चाहे किलोग्राम यानी कि मास, कैपिटल एम यूज करेंगे, मीटर है यानी कि लेंथ है, एल यूज करेंगे, सेकंड है यानी कि टाइम है, टी स्क्वायर। फोर्स की डायमेंशन एम एल टी माइनस टू, ये आ गई फोर्स की डायमेंशन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डायमेंशंस ऑफ फोर्स आर वन इन मास, वन इन लेंथ, एंड माइनस टू इन टाइम। ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। अच्छा, ये डायमेंशन आपने यानी कि फोर्स की डायमेंशन याद रखनी है, ये आगे बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज में यूज होने वाली है। इसी तरह एक और डायमेंशन एनर्जी की डायमेंशन। अब देखें, एनर्जी की यूनिट होती है जूल। वर्क की यूनिट क्या होती है? वर्क की यूनिट भी जूल होती है। यानी कि एनर्जी या वर्क की बात करें, डायमेंशन क्या होंगी? सेम होंगे। तो वर्क की बात कर लेते हैं। वर्क होता है डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इन टू एस। एफ, अब देखिए, एफ की डायमेंशन हमने फाइंड की हुई है एम एल टी पावर माइनस टू। एस यानी कि डिस्टेंस, लेंथ एल। डब्ल्यू इज इक्वल टू एम एल स्क्वेयर टी पावर माइनस टू। यानी कि एनर्जी की डायमेंशन आ गई हमारे पास एम एल स्क्वेयर टी पावर माइनस टू। ये भी याद रखनी है। फोर्स और एनर्जी की डायमेंशन अगर आप याद रख लेते हैं, तो आगे बहुत सारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिसमें ये यूज होंगी और हम जल्दी से उसको सॉल्व कर सकेंगे। अच्छा, वो उन फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन देखते हैं जिसके ईटा पास पेपर में पूछी गई है, जैसे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा 2011 मेडिकल के टेस्ट में इसकी डायमेंशन पूछी हुई थी। अच्छा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन फाइंड करने के लिए जाते हैं। हमारे पास एक रिलेशन होता है, आपने आगे फ्लूइड डायनेमिक्स में इसको पढ़ा होगा, एफ इज इक्वल टू सिक्स पाई ईटा आर वी। एफ इज फोर्स, आर इज रेडियस, वी इज स्पीड, और ईटा यहाँ पे क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसकी डायमेंशन हमने क्या करनी है? निकालनी है। अच्छा, ईटा अगर यहां से सिंप्लीफाई करें, ईटा हमारे पास आ जाएगा एफ डिवाइडेड बाय सिक्स पाई इंटू आर इंटू वी। एफ की डायमेंशन देखिए, ये फिर वो यूज हो रही है जैसे हमने पहले कहा था, ये याद रखनी है आपने। एफ की डायमेंशन हमने पहले निकाली हुई है एम एल टी पावर माइनस टू। सिक्स पाई कॉन्स्टेंट है, याद रखने, कॉन्स्टेंट आपके पास डायमेंशन लेस होते हैं। अच्छा, आर, आर के लिए एल, स्पीड के लिए
स्पीड की डायमेंशन, स्पीड की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, एल टी पावर माइनस वन। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास बनती है एम एल पावर माइनस वन टी पावर माइनस वन, यानी कि ये आगे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन। इसी तरह प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन भी थीटा के एक टेस्ट में पूछी गई थी 2010 और 2017, दो टेस्ट में, 2010 और 2017 के मेडिकल टेस्ट में प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन पूछी गई है। प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन निकालते हैं, हमारे पास एक रिलेशन होता है, हमारे पास एक रिलेशन है E इक्वल टू एच इंटू एफ। ई इज एनर्जी, एफ यहां पे फ्रीक्वेंसी, और एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। एच इज इक्वल टू ई अवर एफ, एच इज इक्वल टू, अब ई एनर्जी, एनर्जी की डिग्री मेरे पास डायमेंशन याद रखनी है, एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस टू। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल होता है टाइम के, यहां पे हम यूज कर सकते हैं एफ की जगह वन अवर टी, ये टी हमारे पास ऊपर आ जाएगा, और टी की जगह पे अगर उसकी डायमेंशन पुट करें, यानी के कैपिटल टी यूज करें, प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन आ गई एम एल स्क्वेयर टी पावर माइनस वन, ये आ गई प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन। इसी तरह ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन भी एक पेपर में पूछी गई थी 2010 मेडिकल के टेस्ट में, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन पूछी हुई थी। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी डायमेंशन निकालते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपने नाइन्थ क्लास में लॉ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन पढ़ा था, क्या था हमारे पास, न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, एफ यहाँ पे फोर्स है, एम के मैसेज है, आर डिस्टेंस बिटवीन द टू मैसेज है, और जी यहाँ पे क्या है, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है। अब अगर यहां से जी निकालें तो सिंप्लीफाई करें, जी इक्वल आ जाएगा आर स्क्वायर इंटू एफ डिवाइडेड बाय एम वन एम टू। अगर हम डायमेंशन यूज करें, आर जो कि डिस्टेंस है और स्क्वायर है तो एल का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह एफ की डायमेंशन हमने पहले फाइंड की हुई है एम एल टी पावर माइनस टू, एम की डायमेंशन एम, दो एम है आपके पास, एम स्क्वायर हो जाएगा, और अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास बनती है एम पावर माइनस वन एल क्यूब टी पावर माइनस टू, ये आ गई ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट की डायमेंशन। तो देखें, फोर्स और एनर्जी की डायमेंशन अगर आप याद रखते हैं तो आप एकदम से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज को देखते हैं, फिर हम आगे जाते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, नाइन्थ क्लास में आपने पढ़ा होता है, सॉरी टेंथ क्लास में आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा हुआ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स असल में n इज इक्वल टू सी बाई वी होता है। n यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, c स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, v स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब अगर इसकी डायमेंशन हम निकालना चाहें, c यानी कि स्पीड है और स्पीड की डायमेंशन एल टी पावर माइनस वन, वी भी क्या स्पीड है और इसकी डायमेंशन एल टी पावर माइनस वन, तो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डायमेंशन कुछ भी नहीं आ रही, यानी कि एम पावर जीरो, एल पावर जीरो, टी पावर जीरो। हमने यहां पर यह देखा कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो दो सेम फिजिकल क्वांटिटीज की रेशो हो वो डायमेंशनलेस होती है, ये बात आपने याद रखनी है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो दो फिजिकल सेम फिजिकल क्वांटिटीज की रेशो होगी वो डायमेंशनलेस होगी। इसमें और भी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज आ जाती है, जैसे स्ट्रेन है, चेन इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, ये भी डायमेंशन लेस होगी, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी या जिसको हम स्पेसिफिक
ग्रेविटी भी कहते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब ये आपके पास दो डेंसिटीज की रेशो होती है, याद रखनी है। स्टूडेंट अक्सर ग्रेविटी से कंफ्यूज होकर इसकी डायमेंशन वही लगा लेते हैं जो ग्रेविटी की होती है, लेकिन स्पेसिफिक ग्रेविटी असल में रेशो है दो सेम फिजिकल क्वांटिटीज की, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, डायमेंशन लेस है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास आ जाती है रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी ये भी रेशो होती है परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की। इसी तरह और यहाँ पे हमारे पास एंगल, एंगल भी क्या है, डायमेंशन लेस है। ये रेशियो है आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ सर्कल। इसी तरह फिर सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल भी क्या है, डायमेंशन लेस है। तो ये वो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज है जिनकी डायमेंशन नहीं होती। अच्छा, ईटा 2017 इंजीनियरिंग के टेस्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था, फिजिकल क्वांटिटी विच हैज यूनिट बट नो डायमेंशन। ऑप्शन थे स्ट्रेंथ, स्पेसिफिक ग्रेविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, एंगल। वीडियो को पॉज करके सोचे कौन सा ऑप्शन आ सकता है, आंसर मिले। चलें देखें, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का हमने कहा था कोई भी यूनिट नहीं होता, स्पेसिफिक ग्रेविटी नो यूनिट, रिलेटिव परमिटिविटी नो यूनिट, एंगल, एंगल का यूनिट होता है, एंगल का यूनिट आपने पढ़ा हुआ है, डिग्रीज, रेडियंस, मिनट्स, सेकेंड्स, ये सारे किसके यूनिट हैं, एंगल के यूनिट्स हैं। एंगल ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूनिट तो होता है लेकिन डायमेंशन नहीं होती, यानी कि हमारे पास ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज भी होती हैं जो जिनका यूनिट तो होता है लेकिन वो डायमेंशन लेस होती हैं। एक और भी है हमारे पास सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल का यूनिट स्टेरेडियन आपने पढ़ा हुआ है लेकिन उसकी भी डायमेंशन नहीं होती। स्टूडेंट आपसे एक और क्वेश्चन है, फिजिकल क्वांटिटी विच हैज डायमेंशन बट नो यूनिट। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी बताएं जिसका यूनिट ना हो लेकिन डायमेंशन हो। सोचें ऐसा ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी है, ऐसी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, यानी कि ऐसी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं हो सकती जिसकी यूनिट ना हो और डायमेंशन हो। तो यहां से आपको दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल गए कि हमारे पास ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज भी होती हैं जिनका यूनिट होता है लेकिन डायमेंशन लेस होती है, लेकिन हमारे पास ऐसी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है जिसकी डायमेंशन हो और यूनिट ना हो। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं कि एडवांटेज क्या है, एडवांटेजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, एडवांटेजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस का पहला एडवांटेज जो कि हमारे पास एक प्रिंसिपल में बेस करता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। पहला एडवांटेज क्या है, पहला एडवांटेज ये है कि हम किसी भी इक्वेशन को चेक कर सकते हैं बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, चेक कर सकते हैं कि वो इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है। अब वो बेस करता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि सिर्फ वो ही फिजिकल क्वांटिटीज या जस्ट वो ही टर्म्स एड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं जिनकी डायमेंशंस क्या होती हैं, सेम होती हैं। ठीक है, यानी कि ऑल दोज या ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटीज और टर्म्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड विच हैव सेम डायमेंशंस। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़ी हुई है, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर हम इसको देखें, यहां पे ये टर्म और ये टर्म आपस में ऐड हो रही हैं। अब ये टर्म्स अगर ऐड हो रही हैं, इनकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए तब ये यहां पे ऐड हुई है। चलिए डायमेंशन देखते हैं, अगर हम इसकी डायमेंशन देखें, वी यहां पे क्या है, स्पीड की डायमेंशन होती है टी पावर माइनस वन, साथ में क्या है टाइम, टाइम के लिए डायमेंशन होती है टी, और इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास बनता है एल। इसी तरह अगर इस साइड आए, ए आपके पास एक्सलेशन, एक्सलेशन की डायमेंशन होती है टी पावर माइनस टू, और टी यहाँ पे टाइम, लेकिन उसके ऊपर स्क्वायर, तो टी की डायमेंशन हमारे पास
स्क्वायर। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आ रहा है हमारे पास एल। तो आपने देखा इन दोनों टर्म्स की डायमेंशन क्या थी, सेम थी, तब ये यहाँ पे क्या हुई है, एड हुई है। अच्छा, प्रिंसिपल होमोजेनिटी की एक और स्टेटमेंट ये है कि कोई भी इक्वेशन आप लें उसकी दोनों साइड पे जितनी भी टर्म्स होंगी उनकी डायमेंशन क्या होंगी, सेम होंगी। यानी कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म्स ऑन बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन आर सेम। इसी को देख लेते हैं, इसी को अगर आप देखें लेफ्ट हैंड साइड पे जितनी भी टर्म्स है हमारे पास उनकी डायमेंशन क्या आ रही थी, एल आ रही थी। सॉरी, राइट हैंड साइड पे जितनी भी टर्म्स है हमारे पास उनकी डायमेंशन क्या आ रही थी, एल आ रही थी। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास एस है। अब एस क्या है, डिस्टेंस है, और डिस्टेंस के लिए डायमेंशन क्या होती है, एल होती है। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे डायमेंशन क्या होंगी, हमेशा सेम होंगी, तभी वो इक्वेशन करेक्ट होगी। अच्छा, हमारे पास इस एडवांटेज की बेस पे कुछ एमसीक्यूज हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं आपकी बुक में, चैप्टर 1 एमसीक्यूज नंबर 3 में स्पीड ऑफ ओशन वेव्स पूछी हुई है। अब देखें, कहीं पे भी टेस्ट में या कहीं और आपसे किसी भी कोई भी रिलेशन पूछा जाता है, कोई फार्मूला पूछा जाता है, ठीक है, तो मे भी आपको याद नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे हम डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करके करेक्ट ऑप्शन बता सकेंगे। यानी कि अगर वो आपसे पूछ लेते हैं जी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी, या स्पीड ऑफ ओशन वेव्स क्या होंगी, या टाइम पीरियड ऑफ फिजिकल पेंडुलम क्या हो, अब आपको सारे रिलेशन तो याद नहीं होंगे, आप कैसे करेक्ट ऑप्शन तलाश करेंगे, तो उसके लिए डायमेंशनल एनालिसिस को यूज कर लेंगे। जैसे चैप्टर 1 एमसीक्यू नंबर 3 में आपसे स्पीड ऑफ ओशन वेव्स पूछी हुई है, अब आपके माइंड में नहीं होगी, लेकिन वहां पे करेक्ट ऑप्शन क्या आता है, वहां पे करेक्ट ऑप्शन v इज इक्वल टू लैम्डा इनटू g आता है। अब हमें कैसे पता चला कि ये ऑप्शन कैसे आता है, असल में यहाँ पे हमने डायमेंशनल एनालिसिस यूज की। अभी हमने पहला एडवांटेज पढ़ा कि लेफ्ट साइड और राइट साइड पे डायमेंशंस क्या होंगी, सेम होंगी, और वो ही आपके पास करेक्ट इक्वेशन होगी। तो इसको अगर हम देखें, लेफ्ट साइड पे स्पीड है और स्पीड की डायमेंशन होती है टी पावर माइनस 1। अगर हम राइट हैंड साइड देखते हैं लैम्डा यानी कि वेवलेंथ जिसकी डायमेंशन आपके पास एल, और जी यानी कि ग्रेविटी जो कि एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल एक्सप्रेशन, और उसकी डायमेंशन आपके पास होती है टी पावर माइनस 2। और इसको अगर हम सॉल्व करें एल स्क्वायर टी पावर माइनस 2 और ऊपर स्क्वायर रूट आ रहा है, सिंप्लीफाई करें ये बनता है आपके पास एल टी पावर माइनस 1। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन क्या आ रही थी, सेम आ रही थी, तो हमें पता चल गया कि ये क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, फर्स्ट एडवांटेज से रिलेटेड एक एमसीक्यू ईटा 2016 इंजीनियरिंग के टेस्ट में पूछा गया था। एमसीक्यू था, सपोज ए इज इक्वल टू बी सी, ए हैज अ डायमेंशन एल ओवर एम, सी हैज अ डायमेंशन एल ओवर टी, देन बी हैज डायमेंशन, बी की डायमेंशन हमने बता दी। तो बहुत ही आसान है, अगर आप ये फर्स्ट एडवांटेज समझ गए तो ये बहुत ही आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकेंगे। देख लेते हैं, ए इज इक्वल टू बी सी, हमें किसकी डायमेंशन के माने, हमें ए और सी की डायमेंशन के माने। ए की डायमेंशन क्या है, एल आवर एम, एल आवर एम, और इस साइड बी की हमने फाइंड करनी, और सी की डायमेंशन हमें के माने एल आवर टी, एल आवर टी। लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं तो ये आपके पास सिंप्लीफाई होके टी आवर एल इस साइड आ जाएगा, और पहले हमारे पास एल आवर एम है यहाँ पे, तो बी की डायमेंशन बनेगी एल, एल के साथ कैंसिल, बी की डायमेंशन बनी टी आवर एम, तो ये राइट ऑप्शन था टी आवर एम। तो देखिए बहुत ही इजीली सॉल्व हो गया। अच्छा, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ये भी अक्सर पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, एकदम से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। कहते हैं कि हमारे पास एक इक्वेशन है एस इज इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वेयर, वेयर एस इज डिस्टेंस, टी इज टाइम, देन फाइंड डायमेंशंस, डायमेंशंस ऑफ ए बी एंड
सी, यानी कि हमारे पास इक्वेशन एस इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर, जिसमें एस क्या है डिस्टेंस है, टी क्या है टाइम है, तो हमने डायमेंशन बतानी है ए बी और सी की। बहुत इजी है, देखें एस इज इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर। हमने क्या कहा था कि कोई भी इक्वेशन हो उसके दोनों साइड्स पे डायमेंशन, हर टर्म की डायमेंशन सेम होती है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो कि एस है जो डायमेंशन इसकी होगी वही डायमेंशन इसकी होगी, वही डायमेंशन इसकी होगी, वही डायमेंशन इसकी होगी। डिस्टेंस, डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होती है एल। राइट हैंड साइड पे आते हैं, ए की डायमेंशन भी क्या हो जाएगी एल, ठीक है। बी टी की डायमेंशन क्या होगी एल बी होगी। अब यहां से हमने बी की डायमेंशन निकालनी है, ए की तो आ गई एल है, यहां से बी की निकालनी है, यानी कि बी टी की डायमेंशन एल के बराबर है। यहां से हमने बी की डायमेंशन निकालनी है, टी इधर आ जाएगा, टी जब इस साइड आएगा टी की डायमेंशन होती है कैपिटल टी, तो बी की डायमेंशन बनी एल की पावर माइनस वन, यानी कि हमने बी की डायमेंशन भी फाइंड कर ली। इसी तरह सी टी स्क्वेयर, सी टी स्क्वेयर की डायमेंशन भी क्या होगी एल होगी। यहां से हमने सी की डायमेंशन निकाली है, सी इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाय टी स्क्वेयर, टी स्क्वेयर की डायमेंशन पुट करें तो सी की डायमेंशन बन रही है एल टी पावर माइनस टू। तो देखें बहुत ही आसानी से आपने इसको सॉल्व कर लिया। अच्छा एक और इक्वेशन देखते हैं, उसमें भी डायमेंशन अक्सर पूछी जाती हैं। वर्ल्ड वाल्स इक्वेशन एक जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ी भी होगी, पी प्लस ए ओवर बी स्क्वेयर इन टू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। यहां पे P क्या है, पी प्रेशर है, पी इज प्रेशर, वी इज वॉल्यूम, आर इज यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, टी इज टेम्परेचर, देन फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी। डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी, ए और बी की डायमेंशंस पूछी हुई, कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए बहुत इजी है, अगर हम यहां पे देखें हमने कहा है किसी भी इक्वेशन में जो टर्म्स ऐड हो रही होंगी उनकी डायमेंशंस क्या होंगी हमेशा सेम होंगी, यानी कि जो डायमेंशन पी की होगी वही डायमेंशन ए और बी स्क्वायर की होगी। अब पी की डायमेंशन क्या है, पी की डायमेंशन हमने चले पहले फाइंड तो नहीं की लेकिन देख लेते हैं, पी इज इक्वल टू एफ ओवर ए, एफ की डायमेंशन आपने फाइंड की हुई है एम एल टी पावर माइनस टू थी, और नीचे आपके पास आ रहे हैं स्क्वायर आ रहे हैं, तो ये आपके पास पी की डायमेंशन बन जाएगी एम एल पावर माइनस वन टी पावर माइनस टू। ये अब याद रखनी पड़ेगी हमें यहाँ पे। और अब देखें पी की डायमेंशन आ गई एम एल पावर माइनस वन टी पावर माइनस टू, ए ओवर वी स्क्वायर की भी यही डायमेंशन होगी, ए ओवर बी स्क्वेयर की डायमेंशन यानी कि एम एल पावर माइनस वन टी पावर माइनस टू। यहां से हमने निकालनी है ए की डायमेंशन, तो बी स्क्वायर डिवाइड हो रहे हैं लाके मल्टीप्लाई हो जाएगा एम एल पावर माइनस वन टी पावर माइनस टू इन टू बी स्क्वेयर। वी क्या है, हमने कहा था वी वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है मीटर क्यूब, मीटर क्यूब है तो यहां पर आ जाएगा एल क्यूब, ऊपर स्क्वेयर ऑलरेडी मौजूद है, ये आपके पास बन जाएगा एम एल पावर माइनस वन टी पावर माइनस थ्री इन टू एल पावर सिक्स इज इक्वल टू एम एल पावर माइनस वन प्लस सिक्स फाइव टी पावर सॉरी टी पावर माइनस टू है यहां पे। तो ये आ गई हमारे पास ए की डायमेंशन, एकदम हमने इसको सॉल्व कर लिया। अच्छा यहां पे देखें बी की डायमेंशन बतानी है, तो यहां पे भी क्वांटिटीज क्या हो रही है सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो डायमेंशन तो सेम होंगी,
यानी जो डायमेंशन v की होगी वही डायमेंशन b की होगी। v वॉल्यूम है, वॉल्यूम की डायमेंशन हमने कहा एल क्यूब, यानी कि b की डायमेंशन भी क्या होगी, एल क्यूब ही होगी। हमने एकदम से इसको सॉल्व कर लिया। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पेपर में या बोर्ड के पेपर में या फिर रिटन टेस्ट में पूछे जाते हैं। देखें फर्स्ट एडवांटेज पर कि आपने इजीली इनको सॉल्व कर लिया। अच्छा, एक दो और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको हम देखते हैं। पहला हमारे पास क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स टी वेयर टी इज टाइम, फाइंड डायमेंशन ऑफ एक्स। टी के टी यहां पे टाइम है और हमने x की डायमेंशन बतानी है। y क्या चीज है, y का हमें नहीं पता, ठीक है। चले वीडियो पास करके सोचें कैसे होगा ये। चले सॉल्व करते हैं। देखें एक बात आपने याद रखनी है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस के आगे जो भी चीज आपके पास है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो भी हो, साइन है, कॉस है, टेन है, कोसेकेंट है, सीकेंट है, कोटेंजेंट है, यहां पे क्या चीज होती है, यहां पे वो एंगल होते हैं, यहां पे वो एंगल होते हैं। और एंगल की डायमेंशन क्या होती है, हमने कहा था एंगल जो है वो डायमेंशन लेस है, यानी कि एक्स टी जो चीज है इसकी डायमेंशन है एन पावर जीरो, एल पावर जीरो, टी पावर जीरो। हमने बतानी है एक्स की डायमेंशन, टी मल्टीप्लाई होगा यहां पे आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, एम पावर जीरो, एल पावर जीरो, टी पावर जीरो डिवाइडेड बाय टी। टी जब इधर आएगा टी की डायमेंशन क्या है, टी। एक्स की डायमेंशन क्या बनी, एम पावर जीरो, एल पावर जीरो, टी पावर माइनस वन। ये हमारे पास आ गई एक्स की डायमेंशन। देखिए हमने एकदम इसको सॉल्व कर लिया। इसी तरह आपके पास एक और क्वेश्चन इस तरह अगर आ जाए, जेड इज इक्वल टू ए पावर एल वाई वेयर वेयर एल इज लेंथ, फाइंड डायमेंशन ऑफ वाई। एल क्या चीज है, एल यहां पे लेंथ है, वाई की डायमेंशन बतानी है, जेड क्या चीज है, जेड का हमें नहीं पता क्या है, ए क्या चीज है, ए कोई भी कांस्टेंट है। अब देखें इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सोचें। चलें इसको सॉल्व करते हैं। देखें जब भी आपके पास पावर आएगी, आपने कभी भी ऐसा नहीं देखा होगा कि 5 की पावर 3 मीटर, 2 की पावर 2 सेकेंड, ठीक है, 2 की पावर 3 हर्ट्ज, कभी भी इस तरह आपने कुछ देखा नहीं। कांस्टेंट में जब भी कोई चीज आएगी वो एक कांस्टेंट ही आएगा, और कोई भी कांस्टेंट हो उसकी आपके पास डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशन लेस होते हैं, यानी कि एल वाई का जो प्रोडक्ट है इसकी डायमेंशन है एम पावर जीरो, एल पावर जीरो, टी पावर जीरो। हमने डायमेंशन निकालनी है वाई की, एल इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा, एल की डायमेंशन यानी कि लेंथ है तो कैपिटल एल होगी, जब कैपिटल एल इधर आपके पास आके डिवाइड होगा इस तरह, और ये वाई की डायमेंशन बन जाएगी एम पावर जीरो, एल पावर माइनस वन, टी पावर जीरो। एकदम से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अच्छा, एडवांटेजेस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, दूसरा हमारा जो एडवांटेज है डायमेंशन एनालिसिस का, यानी कि हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का ये पता हो कि वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, तो हम उसके लिए रिलेशन डिराइव कर सकते हैं बाय डायमेंशनल एनालिसिस, यानी कि डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करके हम उसके रिलेशन डिराइव कर सकते हैं। इससे रिलेटेड आपकी बुक में एक एग्जाम्पल भी है, वो एग्जाम्पल क्या है, उस एग्जाम्पल में कहा हुआ है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन
लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, मास ऑफ बो, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब देखें यहां पे हमें एक बात तो पहले से पता है कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मास ऑफ बॉब पे डिपेंड नहीं करता, चाहे वो 1 किलो है 5 किलो है, टाइम पीरियड चेंज नहीं होता, टाइम पीरियड वेरी नहीं करता। लेकिन फिर भी हम इसको ले लेते हैं यहां पे, यानी कि हम इसको ऐसे लिख लेते हैं टी इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अब लेंथ की पावर क्या होती है, स्क्वायर होगा, स्क्वायर रूट होगा, 3/2 होगा, वो हमें नहीं पता। इसकी पावर हम कुछ भी अननोन ए लिख लेते हैं, मैस पावर बी लिख लेते हैं, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन पावर सी लिख लेते हैं। यानी हमने लिख लिया टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल है एल पावर ए, एम पावर बी, जी पावर सी। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, कोई भी कॉन्स्टेंट लगाएंगे, ये हमने कोई भी जो कॉन्स्टेंट लगाया, ठीक है, ये डायमेंशन लेस है। अब एल पावर ए, एम पावर बी, एम पावर बी, जी पावर सी। देखिए हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो डायमेंशन होगी राइट हैंड साइड पे भी इसकी वही डायमेंशन होगी। तो हम यहां से कंपैरिजन कर सकते हैं, कंपैरिजन से हमारे पास ए बी और सी की वैल्यूज आ जाएंगी। ए बी और सी की वैल्यू जब आ जाएंगी यहां पर उठा के पुट कर देंगे, हमारे पास टी का रिलेशन बन जाएगा, ठीक है। टाइम पीरियड यानी कि टाइम है उसकी यूनिट होती है सेकेंड, तो डायमेंशन बनती है कैपिटल टी। राइट साइड पे अगर आए लेंथ है, लेंथ की डायमेंशन होती है आपके पास कैपिटल एल पावर ए, और मैस, मैस की डायमेंशन कैपिटल एम पावर बी, और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की डायमेंशन एल टी पावर माइनस टू और पावर सी। जिसको अगर हम आगे सॉल्व करें, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, टी एल यहां पे पावर ए आ गया, एल यहां पे पावर सी आ गया, ये बनेगा एल पावर ए प्लस सी, एम पावर बी, टी टी पावर माइनस, टी पावर माइनस टू सी। कंपेयर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, देखें कहीं पे आपको एल नजर आ रहा है, एल नहीं है, यानी कि एल की पावर जीरो, एल की पावर जीरो। राइट हैंड साइड पे एल की पावर ए प्लस बी, बेसिस सेम है, दरमियान में इक्वल हो, एक्सपोनेंट्स आपस में क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है, यानी कि जीरो इज इक्वल टू ए प्लस सी। हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, इसको वन का नाम दे देते हैं, इसको हम ए का नाम दे देते हैं। एम कहीं भी आपको लेफ्ट हैंड साइड पे नजर आ रहे हैं, एम नहीं है, तो ये आपके पास एम की पावर जीरो इज इक्वल टू एम पावर बी, जीरो इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू जीरो, बी जीरो आ गया। अच्छा अगर हम ये कंपेयर करें, टी की पावर वन इज इक्वल टू टी की पावर माइनस टू सी, यहां से ये वन इज इक्वल टू माइनस टू सी, सी इज इक्वल टू माइनस वन बाय टू, सी की वैल्यू आ गई। सी की वैल्यू अगर इक्वेशन वन में यूज करें, यहां पे माइनस वन बाय टू यूज करें, तो जीरो इज इक्वल टू ए माइनस वन बाय टू, ए इज इक्वल टू वन बाय टू, ए की वैल्यू भी आ गई। तो देखिए हमारे पास ए बी और सी की वैल्यूज आ गई, इन वैल्यूज को उठा के हम इक्वेशन ए में यूज करते हैं। T इज इक्वल टू के इंटू एल पावर ए, और ए की वैल्यू आपके पास क्या आई थी, वन बाई टू, एम पावर बी, बी की पावर बी की वैल्यू क्या आई थी, जीरो, और जी पावर सी, सी की वैल्यू क्या आई थी, माइनस वन बाय टू, यानी कि के इंटू एल पावर वन बाय टू डिवाइड बाई जी पावर वन बाय टू, यानी कि के इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एल ओवर जी। तो हमने डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करके टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम के लिए एक रिलेशन डिराइव कर लिया कि यहां पे क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली डिराइव की गई है जो कि 2 पाई है। तो
टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या होता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल ओवर जी। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज डायमेंशन एनालिसिस का, कि अगर हमारे पास बेस फिजिकल क्वांटिटीज चेंज हो जाए और फिर भी हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं बाय डायमेंशन एनालिसिस। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ मैस इफ फोर्स लेंथ एंड टाइम आर बेस फिजिकल क्वांटिटीज। अगर बेस फिजिकल क्वांटिटीज फोर्स लेंथ एंड टाइम हो गई है, फिर डायमेंशन क्या होगी मैस की, इस सिस्टम में क्या होगी मैस की डायमेंशन, तो ये भी हम फाइंड कर सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यानी कि मैस जिसकी डायमेंशन पहले क्या है कैपिटल एम, अब हमने उसकी डायमेंशन फाइंड करनी है किस में, इन टर्म ऑफ फोर्स लेंथ टाइम। अब फोर्स की पावर क्या होगी वो हमें नहीं पता, पावर ए का नाम दे देते हैं, इसको पावर बी का नाम दे देते हैं, इसको पावर सी का नाम दे देते हैं। अच्छा, फोर्स की डायमेंशन पहले क्या थी, जब सिस्टम हमारे पास जिसमें लेंथ मास और टाइम बेस फिजिकल क्वांटिटीज थी, उस टाइम इसकी डायमेंशन थी एम एल टी पावर माइनस टू पावर ए। लेंथ की डायमेंशन सेम ही थी एल ही थी और टी टाइम की डायमेंशन भी सेम ही थी। अच्छा, अगर इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, एम पावर ए एल पावर ए एल पावर बी एल पावर ए प्लस बी टी पावर माइनस टू ए प्लस सी। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करते हैं, वहां से हमारे पास ए बी और सी की वैल्यूज आ जाएंगी और जब हम उसको इस इक्वेशन में यूज करेंगे तो यहां से हमें डायमेंशन मिल जाएगी किसकी, मैस की। अच्छा, कंपेयर करें, लेफ्ट हैंड साइड में देखें एम की पावर क्या है 1, राइट हैंड साइड पे क्या है एम की पावर ए, बेस इज सेम, दरमियान में इक्वल है तो एक्सपोनेंट्स आपस में इक्वल हो जाएंगी, 1 इज इक्वल टू ए, ए इज इक्वल टू 1, ए की वैल्यू आ गई। अब अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे देखें एल हमारे पास नहीं, यानी कि एल की पावर 0 है, राइट हैंड साइड पे देखें तो एल की पावर ए प्लस बी है, एल की पावर 0 इज इक्वल टू एल की पावर ए प्लस बी। यहां से वैसे सेम एक्सपोनेंट्स इक्वल हो जाएंगी, 0 इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए की वैल्यू हमारे पास आई हुई है जो कि 1 थी, तो बी की वैल्यू क्या होगी माइनस 1। इसी तरह अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में देखें टी नहीं है हमारे पास, तो टी की पावर 0 और राइट हैंड साइड पे टी की पावर माइनस 2a प्लस सी, 0 इज इक्वल टू माइनस 2a प्लस सी। ए की डायमेंशन सॉरी ए की वैल्यू हमने अभी ऑलरेडी फाइंड की 1 प्लस सी, 0 इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस सी, सी इज इक्वल टू 2, सी की वैल्यू भी हमें मिल गई। यानी कि हमें तीनों अननोन पावर्स मिल गई, ए की वैल्यू क्या आई 1। अगर हम ए की वैल्यू ए बी और सी की वैल्यू को यहां पे यूज करते हैं, ए की वैल्यू थी 1, बी की वैल्यू क्या आई, बी की वैल्यू आई हमारे पास माइनस 1 और सी की वैल्यू क्या आई, सी की वैल्यू हमारे पास 2। यानी कि हमारे पास f t पावर 2 डिवाइडेड बाय l, तो मैस की ये डायमेंशन होंगी जब सिस्टम हमारे पास चेंज हो गया, यानी कि फोर्स लेंथ और टाइम बेस्ड फिजिकल क्वांटिटीज हो गई है, तो फिर मैस की डायमेंशन ये होगी। यहां पे एक बात आपने याद रखनी जरूरी है कि जैसे आपके पास FPS सिस्टम है या CGS सिस्टम है, उसमें जैसे SI सिस्टम में लेंथ मैस और टाइम आपके पास बेस फिजिकल क्वांटिटीज है, इसी तरह FPS में भी वही है बेस फिजिकल क्वांटिटी, CGS में भी वही है, MKS में भी वही है बेस फिजिकल क्वांटिटी। उसमें अगर आप CGS से FPS में जाते हैं, FPS से SI में आते हैं या SI से MKS में जाते हैं, तो वहां पर डायमेंशन चेंज नहीं होगी, ये बात आपने याद रखनी है। लेकिन अगर बेस फिजिकल क्वांटिटीज कोई चेंज कर देते हैं, जैसे यहां पे हमने कर दिया है, फिर आपके पास डायमेंशंस भी क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। अच्छा, नेक्स्ट एडवांटेज डायमेंशनल एनालिसिस का, डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करके हम
किसी भी फिजिकल कांस्टेंट की डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं, जैसे आपके पास कूलम कांस्टेंट है के, ग्रेविटेशन कांस्टेंट है जी, या प्लांक कांस्टेंट है एच, इनकी डायमेंशन हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमने अभी पहले F = gm1 m2 r2, इसमें हमने जी की डायमेंशन पहले फाइंड की थी। इसी तरह प्लांक कांस्टेंट की डायमेंशन हमने फाइंड की है, कूलम कांस्टेंट की डायमेंशन हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये भी इसका क्या है, एडवांटेज है। अब हम जाते हैं लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। लिमिटेशन में पहली जो लिमिटेशन है डायमेंशनल एनालिसिस की, यानी कि हम किसी भी फिजिकल कॉन्सेप्ट की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने एक रिलेशन डिराइव किया था T = K(√L/G), इसमें ये जो K है कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते बाय डायमेंशनल एनालिसिस। एक्सपेरिमेंटली तो इसकी वैल्यू फाइंड की गई है जो कि 2π, लेकिन डायमेंशन या डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करके हम इसकी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। ये इसकी पहली लिमिटेशन है। अच्छा, इसी तरह दूसरी लिमिटेशन डायमेंशनल एनालिसिस की, हम ऐसे रिलेशन डिराइव नहीं कर सकते जिसमें सम और डिफरेंस इन्वॉल्व हो जाए। ऐसे रिलेशन हम डायमेंशनल एनालिसिस से डिड्यूस नहीं कर सकते। जैसे थोड़ी देर पहले हमने एक रिलेशन डिड्यूस किया T = K(√L/G), लेकिन कुछ ऐसे रिलेशन अगर आपको कहा जाए कि डिराइव करें बाय डायमेंशनल एनालिसिस, वो आप नहीं कर पाएंगे। जैसे S = VIT + ½AT². अब इस रिलेशन में अगर आप देखें सम इन्वॉल्व हो गया, ऐसा रिलेशन डायमेंशनल एनालिसिस से फाइंड हो सकेगा। इसी तरह अगर आपको कुछ इस तरह का ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन आ जाए Y = A(sin(ωt), बेशक आपको पता हो कि Y जो है वो इन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, फिर भी आप इसको डायमेंशनल एनालिसिस से फाइंड नहीं कर सकेंगे। डायमेंशनल एनालिसिस की तीसरी लिमिटेशन, हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज के लिए ऐसे रिलेशन डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करके डेड्यूस नहीं कर सकते कि वो फिजिकल क्वांटिटी दो या दो से ज्यादा सेम फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही हो। ऐसे के लिए हम बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस फाइंड नहीं कर सकते। जैसे आपके पास स्ट्रेन है, स्ट्रेन रेशियो होती है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। अब देखें, ये दो सेम फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही है, तो ये डायमेंशन एनालिसिस से फाइंड नहीं की जा सकती। इसी तरह यंग मॉडुलस, आपके पास F/A (L/x), इस रिलेशन को अगर आप देखें, इसमें भी दो सेम फिजिकल क्वांटिटीज पे ये डिपेंड कर रही है ये फिजिकल क्वांटिटी, तो इस रिलेशन को भी डायमेंशनल एनालिसिस से फाइंड नहीं कर सकते। ये क्या है, इसकी लिमिटेशन है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म हो गया, लेकिन आपको एक दो होम टास्क दे देते हैं जिसको आपने सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट की डायमेंशन आपने फाइंड करनी है। इसी तरह इफ सी स्पीड ऑफ लाइट, एच प्लांक्स कांस्टेंट एंड जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आर फंडामेंटल यूनिट्स, देन फाइंड डायमेंशंस ऑफ m। अगर आपके पास फंडामेंटल यूनिट्स c स्पीड ऑफ लाइट, h प्लांक कांस्टेंट एंड g ग्रेविटेशन कांस्टेंट हो जाए, फिर मैस की डायमेंशन क्या होगी, ये दो आपने फाइंड करने हैं। थैंक यू।